नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, कुर्सी पे जो बैठे हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी हैं। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब पीएसएल निवेशकों ने इनसे अपने पैसे पाने के लिए मदद मांगी तो इन्होंने क्या कहा। जिसको केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट सेबी के द्वारा बिना किसी पूर्व योजना के कंपनी को बंद कराया गया है, और ये वर्ष 2014 से कंपनी बंद है। हमारा संगठन वर्ष 2014 से लगातार सरकार की विभिन्न एजेंसियों से ज्ञापन, धरना, रैली के माध्यम से अपनी इस निवेश संबंधी समस्या का समाधान के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई हम लोगों को नहीं मिल रही। इसका मामला सर सीधा सीधा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सेबी को कि आप कंपनी की प्रॉपर्टी जो जब्तशुदा प्रॉपर्टी है उसका विक्रय कर इन्वेस्टर्स को भुगतान कर दें, लेकिन सेबी ना तो प्रॉपर्टी को बेच रहा है ना ही किसी इन्वेस्टर का पेमेंट कर रहा है। तो प्रॉपर्टी किसके कब्जे में है? सेबी के सर। सेबी के? जी सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर इसमें। और सर देखो, पल जैसी तो बहुत सारी है, पल तो एक नहीं है, बहुतों के साथ ये ऐसे धोखा हुआ है। तो ये तो बात सही है, पैसा तो मिलना चाहिए। और फिर सरकार पर पूरा ब्लेम डालकर छुटकारा ले लिया। तो साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। ये सरकार तो कुछ कर नहीं रही जी, सेबी को पकड़ा दिया, खत्म जी। सर इसमें कंपनी की तरफ से माननीय कपिल सिब्बल जी और अभिषेक मनु सिंधवी जी कंपनी की तरफ से केस को प्रोटेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप इसकी डिटेल सर उनसे भी ले सकते हैं। और सर हमारा प्रकरण सर सीधा सीधा ये है कि जो वर्तमान सरकार है सबका साथ सबका विकास और रोजगार की बात को लेके सत्ता में आई थी, सत्ता में आते ही साथ पल्स निवेशकों के बुरे दिन लाने का काम किया, जो कि पूरे भारत देश में 6.25 करोड़ है सर। और रोजगार की बात करें तो पल्स के जो कार्यकर्ता थे सब बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हो गए। उनकी संख्या सर ऑल ओवर इंडिया 70 लाख है। मध्य प्रदेश में हम बात करें पल्स के इन्वेस्टर तो 47 लाख पल्स के इन्वेस्टर मध्य प्रदेश के अंदर है। और हमारे संगठन के साथ एजेंट्स कार्यकर्ता की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे संगठन के कार्यकर्ता 30,000 के लगभग हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। हमारा संगठन सर अब पूरे देश में पल्स निवेशकों के समर्थन से इस नारे को लगा रहा है, जिसमें पूरे पल्स निवेशक ग्रामीण जो परिवेश में हैं उनका भी अब ये कहना है कि जो भुगतान दिलाएगा वोट हमारा पाएगा, इसलिए पहले पल्स का भुगतान उसके बाद मतदान। हम सर विभिन्न माध्यमों से इस चीज को रखते आ रहे हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सर हमारा रिसेंट में 10 सितंबर को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन था जिसकी हमने अनुमति ली थी, लेकिन प्रशासन ने हमारे धरना प्रदर्शन को रोका कि 10 सितंबर को भारत बंद है, और बोला कि हमें आगे जो भी डेट बताएंगे हम अनुमति देंगे। लेकिन फिर 11 तारीख को जब हमने पुनः आवेदन किया तो प्रशासन ने हमें मना कर दिया है। तो सर हमने सूचनार्थ लेटर डाल के और भोपाल में सर हमारा 26 तारीख को प्रदेश स्तरीय विशाल रोड शो टीटी नगर दशहरा मैदान से सीएम आवास की तरफ कूच करेगा, और सीएम आवास के बाहर हमारा प्रदर्शन रहेगा इसकी मांग को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कंपनी की पर्याप्त संपत्तियां हैं जिनको बेचकर मध्य प्रदेश ही नहीं आसपास के लगभग 1.5 राज्य का भुगतान किया जा सकता है। बहुत संपत्तियां हैं। सेबी क्यों नहीं बेचता है इसको? सेबी की मंशा नहीं है सर, और माननीय वित्त मंत्री वर्तमान के इस कंपनी में 15 साल तक लीगल एडवाइजर के रूप में काम किए हैं। उनके सत्ता में आते ही उनने कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है उस पर नजर रखते हुए कंपनी को बंद कराया है, और उनका कहना है कि ऐसी कई कंपनियां हैं, भारतीय जनता है कुछ समय चिल्लाएगी, शांत हो जाएगी, आप लोग नेता बनने का काम ना करो। तो सर हमारा निवेदन आपसे ये है कि हम लोग नेता बनने का काम नहीं कर रहे, हम लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और सरकार से अपनी बात कह रहे हैं, और सरकार से ये नहीं कह रहे कि आप अपने खजाने से हमें पैसा दो। वो तो है, हमारे ही पैसे से जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई ना सर, उस प्रॉपर्टी को बेच के हमारा पैसा लौटाना। अभी जो ये एसेट्स है जी ये किसके कब्जे में? सेबी के। सेबी के सर। और तुम लोग कोर्ट गए? कोर्ट सर, सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर है सेबी को स्पष्ट। और सर आपको एक और बात से अवगत करा दें कि सेबी ने जो वर्ष 2014 में कंपनी को ऑर्डर किया था उसमें कंपनी को बंद करने के ऑर्डर के साथ कंपनी को ये कहा था सेबी ने कि आप 3 महीने में 22 अगस्त 2014 का ये ऑर्डर है सेबी का, और उसमें उसने कंपनी को ये आकलन किया था कि आप 3 महीने में पब्लिक का पैसा लौटा दें। तो हमारी अब सरकार से ये बात है कि जब कोई सेबी का आकलन था कि 3 महीने में लौटाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पालन नहीं किया, पालन नहीं कर रहा, सेबी उसको टाइम फ्रेम में नहीं कर रही। तो आप लोग तब सुप्रीम कोर्ट वापस गए?
सुप्रीम कोर्ट का सर ऑर्डर हो चुका, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी लचीला है सर, उसमें तो कंटेम्प्ट की बात हो गई। कंटेम्प्ट का सर इसलिए उसमें प्रकरण नहीं लग रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टाइम फ्रेम नहीं किया सेबी को कि आप विदिन इतने पीरियड में एसी की जमीन को नीलाम करें और पब्लिक को पैसा लौटाएं। ये तो कपिल सिब्बल और मनोज सिंह भी किसके लिए, पल के लिए, पल की तरफ से लड़ रहे हैं सर, उनके पक्ष में। उनका क्या है, उनका क्या कहना है पल का? पर्ल का कहना यह है कि हमारी प्रॉपर्टी को और कंपनी को, प्रॉपर्टी को गलत तरीके से सीज्ड किया गया है और कंपनी को गलत तरीके से बंद किया गया है। कंपनी पे जो आरोप लगाकर कंपनी को बंद कराया गया है, कंपनी उस आरोप की परिचय क्या कंपनी बंद होने लायक थी या नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी सर कंपनी। तो क्यों बंद करा सरकार ने? चिटफंड बता के बंद कर दिया सर। 1989 से पब्लिक को रिटर्न करने का अनुभव प्राप्त था और बाकायदा करती आई सर। जब माननीय आप लोग पर्ल के हित में पल्स के पक्ष में नहीं है अब तो सर, क्योंकि कंपनी तो बंद हुई है सर, 4 साल हो गए हैं। अब हमारा ये है सर कि हम लोगों को जो हमारा जितना बचता है वो तो करें, पैसा तो कम से कम भुगतान करें। प्रॉपर्टी जो है पल्स की उसको बेच के निवेशक का पैसा निवेशकों को मिल जाए और इनको मिल जाए। इनका कहना है कि बहुत हजारों करोड़ की संपत्ति है, हजारों वापस की 1,85,000 करोड़ का वैल्यूएशन है कंपनी की प्रॉपर्टी का, देना 49,000 करोड़ है, फिर भी इस गवर्नमेंट को आपत्ति है। और निवेशक सर इसमें मतलब बहुत ज्यादा धनाढ्य वर्ग नहीं है, मध्यम वर्ग ये है। वो सुप्रीम कोर्ट और दुनिया भर की लड़ाई नहीं जानता, उसके सामने तो कोई अगर क्या कहते हैं आरक्षक भी अगर जोर से बोल दे तो। देखिए अभी तो चुनाव है जी सर, 2 महीने 15 दिन में आचार संहिता लग जाएगी जी। तो मैं आपको कहूँ मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं नहीं कहना चाहता ठीक है, जो होता है चुनाव के बाद ही हम करेंगे। सही बात तो ये ठीक है, पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। और या तो पल को चालू करें, वापस दे उनको सब कि पल चालू हुए, या संपत्ति बेचे, यही बात है। बिल्कुल सर ठीक है ना। पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का ही मॉडिफाइड, मैं कपिल सिब्बल से बात करूंगा जी, मैं बात करूंगा क्योंकि उनको ये पूरी बात समझ नहीं आई होगी। वो तो पल चालू बंद ना हुए उस पक्ष में लगे हुए हैं जी, और अगर संपत्ति बिक गई तो पल चालू कभी हो नहीं सकता जी, ठीक है ना जी। तो ये मामला फंसा होगा ना, इसीलिए वो कह रहे हैं संपत्ति मत बेचो, पहले ही उनकी डिमांड होगी पल को चालू करो, तो आपकी भी डिमांड है ठीक है। चलिए और साथियों 25 फरवरी 2019 को नागलवाड़ी में गृह मंत्री का कार्यक्रम था जिसमें माननीय कमलनाथ जी भी आए थे, और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में पीएसईएल निवेशक इस उम्मीद से गए थे कि माननीय कमलनाथ जी उन सभी निवेशकों के लिए कुछ न कुछ कहेंगे। लेकिन साथियों इस कार्यक्रम में माननीय कमलनाथ जी ने पीएसईएल निवेशकों के लिए कोई बात भी नहीं कही। और साथियों उस कार्यक्रम से कमलनाथ जी के निकलने के बाद जब निवेशक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए गए तो निवेशकों को बुरी तरह से पीटा गया। तो चलिए साथियों वहां का यह वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर से मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि पीएसईएल और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। इस वक्त एक बड़ी खबर नागलवाड़ी से आ रही है जहां कमलनाथ के मंच से रवाना होने के कुछ देर बाद ही सभा स्थल के पास ही कांग्रेस कार्यकर्ता और चिट फंड कंपनियों के एजेंट में लड़ाई हुई है। विजुअल में साफ देख सकते हैं आप कि लड़ाई बड़ी हुई है, उस कुर्सियां उठा उठा के मारा जा रहा है। ज्यादा जानकारी बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर से। समीर बताए क्या हुआ था, मौके पर मौजूद थे, क्या देखा आपने, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी ये? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिटफंड कंपनी के लोग कमलनाथ की सभा खत्म होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए गए कि गृह मंत्री बाला बच्चन ने हमें ये आश्वासन दिया था कि चिटफंड के जो एजेंट हैं इनके लिए भी कुछ ना कोई घोषणा होगी, लेकिन पूरी उद्बोधन खत्म हो गया लेकिन चिटफंड कंपनी के लोगों के बारे में कुछ नहीं हुआ। इस संबंध में जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करना चाहिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पलट में ये बिल्कुल जो गैर जिम्मेदारी से बात करी और कुर्सियां और लकड़ियों से इनके साथ मारपीट की, जो लोगों में बड़ा आक्रोश रहा। समीर हमने भी देखा कि सभा स्थल पर काफी बड़ी संख्या में चिटफंड कंपनी के लोग आए थे, उनसे आपकी बात हुई, क्या बोले वो लोग? जी उन लोगों का साफ तौर से यही कहना था कि गृह मंत्री बाला बच्चन के आश्वासन के बाद हम कल रात से ही यहाँ पे डेरा डाल के बैठे हैं और इस उम्मीद पे बैठे थे कि कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई घोषणा होगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। समीर जी ने हमें बताया कि किस तरह वहाँ पे चिट फंड कंपनी के एजेंटों कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई। विजुअल में साफ दिख रहा है
कि आमने सामने लड़ाई हुई और कुर्सी उठा के मारा गया है। ये बेहद खेदजनक है। मुख्यमंत्री सभा अपनी सभा समाप्त करके जाते हैं, उसके कुछ देर बाद ही लड़ाई होती है। ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है। आप लोगों को बुलवाया गया था यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे? अभी क्या हुआ? तो फिर गाली नहीं देंगे लोग, तो क्या करेंगे? घर में भूखे बच्चे मर रहे हमारे। तो क्या हुआ मार पीट से? क्या हुआ अभी? क्या हुआ अभी? क्या हुआ अभी? क्या हुआ आपके साथ? बात तो सही क्या तो साथियों, देखा ना आप लोगों ने किस तरह से निवेशकों को पीटा गया। इसलिए साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस बार चुनावी लड़ाई में एक ऐसा फैसला लेना है ताकि हम सभी निवेशकों का पैसा मिल जाए, जिसका एकमात्र रास्ता है भारतीय निवेशक सुरक्षा मंच, यानी कि भारतीय लोक सेवा दल, यानी कि माननीय विकास त्रिपाठी जी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर इतना कीजिएगा ताकि यह वीडियो सभी निवेशकों तक पहुंचे और सभी लोगों को पता चले कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएसीए निवेशकों के साथ क्या किया। तो चलिए साथियों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि पीएसीएल और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।